रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ 10 मिनट्स ब्रेकफास्ट की रेसिपी। बहुत ही आसान है। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत ही आसान और सस्ती सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने ये प्याज ले लिया है, धनिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च, इन तमाम चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। सूखा धनिया, चिली फ्लेक्स, नमक और ज़ीरा ये ले लिया है। ये मोज़रेला चीज़ और चैटर चीज़, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। और ये कुछ स्लाइस मैंने ब्रेड के ले लिए हैं। ये तमाम चीज़ें आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 अंडे ले लिए हैं। अब सबसे पहले मैं अपना प्यारा सा बाउल ले लेती हूँ और इसके अंदर हम लोगों ने जो वेजिटेबल्स ली हैं वो मैं डाल देती हूँ। और ये जो स्पाइसेस हैं ये भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और अब इसके अंदर 2 अंडे मैं डाल देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम में मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम लोगों ने एक बैटर फॉर्म में बना लेना है। अगर घर में कुछ भी नहीं है आपके पास तो ये बहुत आसान और सस्ती सी रेसिपी है हमारी, सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखें जी, हमारा जो बैटर है वो कितना अच्छा बन चुका है। अब ये मैंने कुछ स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं। अब सबसे पहले इसको हम नाइफ की मदद से मिड में से इसको काट लें। आप लोग ब्राउन ब्रेड या मिल्की ब्रेड भी ले सकते हैं। इसको बहुत आराम से काटना है क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये ना हो कि आपकी ब्रेड जो है वो टूट जाए। ये देखें जी, इस तरह से करके मैंने ब्रेड को काट लिया है। अब सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और पैन के अंदर हम लोग थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं। आप लोग बटर भी ले सकते हैं, जो इजीली घर में आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ आप ले लें। और इसको अब मैं ग्रीस कर लेती हूँ अपने पैन को सब साइडों से अच्छी तरह से। और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, मीडियम टू लो फ्लेम रखना है। अब सबसे पहले ये जो हम लोगों ने ब्रेड काटी है मैं इसके ऊपर रख देती हूँ इस तरह से करके। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अब इस तरह से करके हम लोगों ने ब्रेड रख ली है और ये जो मैंने बैटर बनाया ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। दोनों ब्रेड के अंदर हम लोग इसी तरह से डाल देंगे और डालने के बाद इसको मैं, फ्लेम नीचे ऑन है तो ये पक रही। मेरी आप तमाम फ्रेंड से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को फुल एड्स के साथ वॉच किया करें और लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें। और जो आप लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं उसके साथ हमारा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब इसको मैं 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देती हूँ और जो हम लोगों ने चीज़ ली है वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। तमाम साइडों पे आपने बहुत अच्छी तरह से कवर कर देना है चीज़ के साथ। इसी तरह से करके मैं दूसरी जो हमारी ब्रेड है उसके ऊपर अप्लाई कर देती हूँ चीज़ को। इतनी आसान और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बस कुछ ही देर में बनने वाली है। इस तरह से मैंने तमाम साइडों के ऊपर चीज़ को डाल दिया है और ये जो मिड में से हम लोगों ने ब्रेड काटी थी वो मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। और डालने के बाद जो हम लोगों ने एग का बैटर बनाया था वो मैं तमाम साइडों के ऊपर डाल दूँगी। और डालने के बाद इसको हम लोगों ने बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर पकाना है और इसको कवर कर देना है। कवर करने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज कर लेती हूँ। इस तरह से करके मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम ब्रेड को ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेते हैं ताकि जो हमारी ब्रेड है अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाए। इसको मज़ीद मैं 1 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी
कवर करने के बाद अब मैं इसको चेक करती हूँ और इसकी साइड भी चेंज करके देखते हैं हम लोग। बड़े आराम से प्यार से इसकी हम साइड चेंज करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी जो ब्रेड है लग रही। अपने बच्चों को ये ब्रेकफास्ट जो है आप लंच में बना के दें, बहुत मज़े से बच्चे खाते हैं। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह बहुत शौक से ये ब्रेकफास्ट करते हैं माशाल्लाह। अब इसको मैं सेंटर में से काटती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारी जो ब्रेड है वो अंदर तक पक चुकी है और कितनी मज़ेदार लग रही है। और ये देखें जी बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी पकड़ी नहीं जा रही। एकदम आसान और मज़ेदार सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।